नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का 17 फरवरी को गोवा में निधन हो गया। 17 साल के कैप्टन सतीश शर्मा कैंसर से पीड़ित थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कई बड़े नेताओं ने सतीश शर्मा को श्रद्धांजलि दी है। बता दें, गांधी परिवार के करीबी रहे कैप्टन सतीश शर्मा की अंतिम यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और उन्होंने सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने निधन के बाद भी सतीश शर्मा के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले भी ट्वीट कर सतीश शर्मा को श्रद्धांजलि दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि मैं कैप्टन सतीश शर्मा के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना, हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। आपको बता दें, 11 अक्टूबर 1947 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में जन्मे कैप्टन सतीश शर्मा एक पेशेवर वाणिज्य के पायलट थे। वो 3 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने लोकसभा में रायबरेली और अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि राज्यसभा में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व किया। कैप्टन सतीश शर्मा पहली बार 1986 में राज्यसभा के सदस्य बने और बाद में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में अमेठी से लोकसभा पहुंचे। बाद में वो जुलाई 2004 से 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।